का साथियों वेलकम टू लर्निंग जी। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आज के इस वीडियो में हम टोटली जानकारी प्रोवाइड कराएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसको बाघों का स्वर्ग के रूप में कहा जाता है, क्यों इसको बाघों का स्वर्ग कहा जाता है जानेंगे संपूर्ण तथ्य आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फिर ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगले जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी जानकारी पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यदि बात होगी कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर बाघों की जो आबादी है वो अधिक है और इसके अलावा यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए भी बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ पर शिकार जो अवैध शिकार होता है उस पर काफी हद तक लगाम लगा करके रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं जो इनके अनुकूल हों। इसके अलावा यह उद्यान विभिन्न प्रकार की प्रजातियों एवं वनस्पतियों से भरा हुआ है जो कि यहाँ पर बाघों के लिए एक फ्रेंडली माहौल तैयार करती है। तो इस वजह से जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर बाघों की संख्या जो है काफी अधिक भी है और ये उनके रहने के लिए सबसे मुफीद स्थान भी माना जाता है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इंग्लिश शासन के दौरान जो ब्रिटिश शासन था उस दौरान खोला जाने वाला या उस समय जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनमें पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। पूरी हिस्ट्री जानेंगे हम कि इसका किस तरीके से इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको इसकी स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय पार्क को 1936 जिसमें ब्रिटिश शासन था, भारत में ब्रिटिशों का राज्य था, उस समय लुप्त प्राय बंगाल बाघ जो बंगाल टाइगर थे जो कि उस समय लुप्त होने की कगार पे थे, तो लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेले नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें इसका प्रारंभिक नाम क्या था तो इस पार्क का प्रारंभिक नाम हेले नेशनल पार्क था, जिसको आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसका जो सबसे पहला नाम था वो हेले नेशनल पार्क था। सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए और सभी पॉइंट कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए जो आपके आगे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो इसको सबसे पहले हेले नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना उत्तर भारत का जो वर्तमान में उत्तराखंड है जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये उत्तर प्रदेश का एक अंग था लेकिन वर्तमान में ये उत्तराखंड का अंग है। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक और जिला लगता है वो है पौड़ी। नैनीताल और पौड़ी दो जिलों में इसकी जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। इसका एरिया दो जिलों में नैनीताल और पौड़ी में। स्थापना के समय इस उद्यान का नाम गवर्नर मालकम हेले जो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे मालकम हेले के नाम पर इसका नाम हेले नेशनल पार्क रखा गया था। क्योंकि उस समय गवर्नर इंपॉर्टेंट पद होता था तो उनके नाम पर ही इसका नाम हेले नेशनल पार्क रखा गया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम बदल करके राम गंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। तो दोबारा जब इसका नाम परिवर्तित किया गया तो क्या हुआ, रामगंगा नेशनल पार्क। इसके पश्चात इसका नाम महान संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। तो लास्ट में इसका नाम जिम कॉर्बेट पर रखा गया जो कि जिम कॉर्बेट के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में था। जिम कॉर्बेट कौन थे इनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इससे यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि इसका जो नाम था वो कई चरणों में रखा गया। सबसे पहले मालकम हेले के नाम पर हेले नेशनल पार्क, बाद में रामगंगा नेशनल पार्क और वर्तमान में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट जो थे वो एक मशहूर ब्रिटिश शिकारी थे। जिम कॉर्बेट की अगर हम बात करें जिनके नाम पर इसको इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया तो ये एक ब्रिटिश शिकारी थे। इनका जो निशाना था वो बिल्कुल अचूक था। इन्होंने कुमायूं जो उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र था वहां पर 1907 से 1939 के बीच
एक ब्रिटिश शिकारी के रूप में इन्होंने काम किया। और कुमायूं जिले के आदमखोर जो बाघ थे, जो आदमखोर शेर थे, जो कि मनुष्यों का शिकार करते थे, वहां के रहने वाले जो निवासी थे उनका शिकार करते थे, तो ऐसे बाघों का इन्होंने शिकार किया और कई लोगों की जान इन्होंने बचाई। कई ऐसे केसेस थे जहां पर जो बाघ थे उन्होंने कई सारे मनुष्यों को हानि पहुंचाई, कई लोगों की जान ली। उसके बाद जिम कार्बेट के द्वारा ही उसको मौत के घाट उतारा गया। तो ये एक मशहूर शिकारी थे। बाद में इनका जो झुकाव हुआ वो प्रकृति की ओर हुआ, क्योंकि ये प्रकृति के बीच में रहे तो इनका जो झुकाव हुआ वो प्रकृति की ओर हुआ। तो बाद में ये प्रकृतिवादी बने और इन्होंने जिम कार्बेट जो थे वो पारिस्थितिकी एवं वन्य जीवों, खासकर बाघों के संरक्षण के पक्ष में थे। जो जिम कार्बेट थे ये पारिस्थितिकी और वन्य जीवों के संरक्षण के पक्ष में थे, और वन्य जीवों में इनका जो झुकाव था वो सबसे अधिक बाघों की ओर था, क्योंकि इन्होंने कई बाघों को मारा हुआ था, तो इनका जो झुकाव था वो बाघों के पक्ष में था। इसी वजह से भारत में जो बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ हुआ, जो टाइगर प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ, वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही हुआ। जब 1773 में, सॉरी 1973 में इस परियोजना का शुभारंभ हुआ, जिसको बाघ बचाओ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही चुना गया। नैनीताल और पौड़ी जिले में फैला जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1288 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है। जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो टोटल एरिया है वो 1288 वर्ग किलोमीटर है। ये 1288 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ, जिसमें दो जिले आते हैं, कौन कौन से, नैनीताल और पौड़ी। वर्तमान में नैनीताल और पौड़ी जिले में ये फैला हुआ है। इसके अलावा इसके आसपास अन्य छोटे छोटे संरक्षित वन भी हैं। जिम कार्बेट के आसपास कोई और छोटे छोटे संरक्षित वन है जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। अगर हम बात करें 1288 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 800 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बाघों के लिए ही बनाया गया है, और काफी अधिक क्षेत्रफल में बाघों को संरक्षित करने की परियोजना चल रही है। पूरे हम जिम कार्बेट की बात करेंगे तो यहाँ वृक्षों की 110 प्रजातियां पाई जाती हैं, स्तनधारियों की 50 प्रजातियां, पक्षियों की 580 प्रजातियां और सरीसृपों की 25 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सभी प्रकार की कई सारी प्रजातियां पाई जाती, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर स्तनधारी हों, पशु पक्षी हों या फिर सरीसृप हों, सभी का यहाँ पर मिश्रण है, और ये एक बहुत ही समृद्ध नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। जिम कार्बेट में रहने वाले प्रमुख वन्य जीवों की अगर हम बात करें तो वो हैं बंगाल टाइगर, जिनका संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा एशियाई हाथी, जिनकी सबसे अधिक संख्या भारत में ही है, तेंदुए, जंगली सुअर, स्लॉथ बियर, मगरमच्छ आदि यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क की शान को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है? बाघ बचाओ अभियान का शुभारंभ, इसको बाघ बचाओ अभियान के रूप में भी जानते हैं, इसका जो शुभारंभ हुआ वो 7 अप्रैल 1973 को हुआ। 1973 7 अप्रैल को बाघ बचाओ अभियान का शुभारंभ हुआ। इस प्रोजेक्ट का जो मूल लक्ष्य था वो प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना और वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना था। इट मीन्स, चूंकि ऐसा माना जाता है कि जो पारिस्थितिकी है उसमें सभी लोगों का होना अति अनिवार्य है। इट मीन्स जो भी मनुष्य, चाहे जानवर हो या पेड़ पौधे हों, सरीसृप हो, पशु पक्षी, तो उस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी का होना अति आवश्यक है। लेकिन चूंकि बाघों की संख्या बहुत ही कम हो रही थी, लुप्त प्राय थे, और इनका मानवों से एक अलग तरह का संबंध है, तो इस वजह से इनको बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला पहला जो उद्यान था वो जिम कार्बेट ही था। इट मीन्स जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, सबसे पहली बार इसकी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, तो इसकी जो पहल हुई वो जिम कार्बेट से ही हुई। जिम कार्बेट को इस कार्य के लिए चुना गया और पहला जो यहाँ पर बाघों के लिए संरक्षित अभयारण्य खोजा गया वो जिम कार्बेट में ही था। जिस समय इसकी शुरुआत हुई तो प्रारंभ में वहां पर 9 बाघ अभयारण्य जो थे वो इस काम के लिए चुने गए। धीरे धीरे करके 9 बाघों को, 9 बाघ अभयारण्य जो है
बनाए गए, लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो बढ़ाकर 50 हो गई। लगभग 50 बाघ संरक्षण अभयारण्य जो है चल रहे हैं, जहां पर बाघों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया, और इनके गठन संबंधी कुछ प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन भी किया गया। चूंकि बाघों का शिकार काफी अधिक मात्रा में होता था, उनके जो शारीरिक अंग थे उनको कई प्रयोगों में लाया जाता था, जिसके लिए इनका अवैध शिकार होता था, तो इन शिकारों को रोकने के लिए उनपे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो भारत की सीमा जो कि चीन और नेपाल से लगती है, तो इनका अंतरराष्ट्रीय रूप से तस्करी ना हो, इसके लिए नेपाल और चीन के साथ भी समझौता किया गया, जिससे इस जो इससे संबंधित जितने अपराध थे उन पर लगाम लगाया जा सके। तो इसके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किए गए। अवैध व्यापार को रोकने के लिए, सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए नेपाल के साथ भी समझौता किया गया, जैसा कि पीछे बताया कि चीन के साथ समझौता किया गया, क्योंकि भारत में इनका शिकार करके इनके जो अंग थे, इसकी जो खाल थी, उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक दामों में बेचा जाता था। तो अवैध शिकार को रोकने के लिए, इनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए, सीमा पार नियंत्रण रखने के लिए नेपाल और चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, जिससे इस पर लगाम लगाई जा सके। नेक्स्ट है बाघ संरक्षण संबंधी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए। जिन जिन देशों में बाघ पाए जाते हैं तो वहां पर एक ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन भी किया गया है। जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ये वहां पर कार्यरत है जहां पर बाघों की संख्या एक सीमित मात्रा में है। ये सभी इस बाघों से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो एक दूसरे से साझा करते हैं, और उनको संरक्षण कैसे किया जाए और उसको कितना सुगम बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा ग्लोबल टाइगर फोरम में होती है। तो आज के वीडियो में हमने जाना किस तरह से जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का संरक्षण किया जाता है और बाघों के लिए एक मुफीद जगह है। तो इस जानकारी को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ज्यादा ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।